आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज से करीब 35 साल पहले, जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं हुआ करता था, तब रात को लोग खाना खाने के बाद लोग बाग गांव के चौपाल या फिर गांव के किसी ओठेले पर बैठकर किस्से कहानियां सुनाकर अपना मन बहलाते थे। तो ऐसी ही एक रात तीन दोस्त मुकुल, राधे और कमल अपने दादाजी के पास बैठकर उनसे कहानियां सुन रहे थे। वो दादाजी गांव में कहानियों के लिए मशहूर थे। वो बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते थे। कहानियों का कारवां बढ़ते बढ़ते रहस्य रोमांच की सीमाओं को पार कर भूत प्रेत को सिद्ध करने की बातों पर आकर रुक गया। दादाजी, मैंने सुना है कि भूत प्रेत की बहुत से प्रकार होते हैं, जैसे कि देवियां भी होती है जिनको सिद्ध करने के लिए बहुत ही ज़्यादा तप करना पड़ता है, राधे ने दादाजी से पूछा। हाँ बेटा, होती हैं ना, इस प्रकार की बहुत सी साधनाएं होती हैं, पर इनको सिद्ध करना मतलब कि खतरे को बुलावा देना होता है, क्योंकि आखिरकार होती तो है ये दूसरी दुनिया की ही। चलो जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गई है, कहकर दादाजी उठकर चले गए और वो तीनों दोस्त वहीं बैठकर इसी विषय पर चर्चा करते रहे। अगर ये सच है तो चल अपन भी करते हैं ना साधना, अगर देवी खुश हो गई तो माला माल कर देगी, राधे ने कहा। भाई, साधना कोई सत्यनारायण पूजा थोड़ी है जो कथा बांची, पंजीरी चढ़ाई और आरती गाकर खुश कर दिया देवी को, मुकुल मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। मैं शमशान के पास काली माता के मंदिर वाले पुजारी बाबा को जानता हूँ, सुना है कि वो बड़ी बड़ी साधनाएं करते हैं, चल उनसे ही पूछते हैं, कमल ने कहा। और फिर वो तीनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन तीनों पहुंच गए काली मंदिर के पुजारी के पास। तुम लोगों को इन सब काम के लिए और कुछ नहीं मिला, तुम लोग बहुत छोटे हो अभी, वैसे भी इस काम तुम जैसे साधारण बच्चों के लिए नहीं है, इसमें जान का भी खतरा होता है, ये शक्तियाँ जितनी जल्दी खुश होती हैं उतनी ही जल्दी ये गुस्सा भी हो जाती हैं, यहाँ तक कि मारने पर भी उतारू हो जाती हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, चलो भागो यहाँ से, पुजारी जी ने उन्हें टपट दिया। पर उन तीनों ने पुजारी जी का पीछा नहीं छोड़ा, आखिर में थक हार कर पुजारी जी को उनके आगे हारना ही पड़ा। देखो, ये मंत्र मैं जो तुम लोगों को दे रहा हूँ वो यक्षिणी साधना का मंत्र है, यक्षिणी भी एक प्रकार की देवी जैसी ही होती है और इनका वास धरती के सुनसान जगहों पर होता है, इनका जाप करने पर यह बहुत ही जल्दी खुश होकर साधक की मनोकामना पूरी करती है, इनकी साधना की विधि कठिन है, रात के 12 बजे विल्व पक्ष के पेड़ के नीचे 21 दिन तक तुम लोगों को इस मंत्र की 108 माला जपनी है, आगे पंडित जी ने बताना जारी रखा। ध्यान रहे कि साधना पूरी तरह से पवित्र होकर लाल आसन पर बैठकर करनी है और इस पूरी साधना के दौरान तुमको कोई देख ना ले, इस बात का खास ध्यान रखना। साधना करने के कुछ दिनों बाद ही तुमको कुछ ना कुछ अनुभव होने लगेंगे, क्योंकि साधना जैसे जैसे पूरी होती जाएगी वो खुश होकर अपनी उपस्थिति का आभास करवाएगी। जिसके बाद पंडित जी ने कहा, मगर ध्यान रहे बच्चों, तुम लोगों को कोई देखे नहीं, वो मंत्र जल्दी दीजिए पुजारी जी, हम कल शुक्रवार की रात से ही ये साधना शुरू कर देंगे। तीनों बहुत ही उतावले हो गए। मंत्र और साधना विधि देने से पहले मेरी दो बातों को गौर से सुनो, पुजारी जी ने कहा और फिर वो बताएं। पहली बात ये कि साधना शुरू करते समय तुम लोग उन यक्षिणी देवी के दर्शन का संकल्प लोगे, और दूसरी बात कि तुम उनके माता स्वरूप की साधना करोगे,
अगर मेरी बात मंजूर हो तो ही मैं ये साधना विधि और मंत्र दे सकता हूँ। हाँ हाँ पुजारी जी, हम बिल्कुल आपकी बात का पालन करेंगे, उन तीनों ने जवाब दिया। भाई माता के रूप में क्यों, अपन देवी के सुंदर रूप को खुश करते हैं ना, और फिर दर्शन का संकल्प लेकर साधना शुरू करते हैं। राधे की इस बात पर दोनों सहमत हो गए और घर वालों के सो जाने के बाद शुक्रवार की रात 12 बजे गांव के बगीचे में लगे बिलपत्र के पेड़ के नीचे उन्होंने साधना शुरू कर दी। यार मुकुल, 18 दिन बीत गए। पुजारी जी ने तो कहा था कि अगर यक्षिणी देवी खुश हो गई तो कुछ ना कुछ अनुभव होगा, और ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, कमल बोला। हाँ यार, देखते हैं आगे, नहीं तो कोई बात नहीं बनी तो छोड़ देंगे, राधे ने जवाब दिया। 19वें दिन साधना के दौरान उन तीनों को डरा देने वाले अनुभव होने लगे, जैसे कोई उनके आसपास है। उनको लगने लगा कि कोई साया उनको छूता हुआ कभी दाएं जाता कभी बाएं जाता। डरते डरते उन्होंने साधना पूरी की। 20वें दिन आधी साधना के बीच में उनको चूड़ियों के खनकने की और पायल के रुंझने की आवाज़ें आने लगी, मानो कोई स्त्री वहीं आसपास घूम रही हो। चले जाओ चले जाओ, तुम लोग ये साधना क्यों कर रहे हो, जाओ चले जाओ यहाँ से। 100 माला पूरी होते होते उनके कानों में किसी स्त्री की फुसफुसाहट सुनाई पड़ने लगी। डर के मारे उनके बदन पर चींटियां सी रेंगने लगी, पर उन्होंने जाप जारी रखे। साधना खत्म करने के बाद घर आने के तुरंत बाद ही उनको अपने अपने साथ किसी स्त्री के होने का आभास होता। बार बार चूड़ियों और पायलों के आवाज़ कानों में गूंजती, मोगरे के फूलों की तीव्र खुशबू के साथ ऐसा लगता जैसे कपड़े सरकाती हुई कोई स्त्री पास में ही घूम रही हो। भाई मुझे अब डर लग रहा है, देखो ना 2 दिन से अपने साथ क्या क्या हो रहा है। आज 21वां दिन है, अगर सचमुच आ गई तो अपन क्या करेंगे, ये सब बेकार में ही हमने किया यार, इतनी सारी मुसीबत मोल ले ली। तीनों डरकर एक दूसरे से बोले। खैर 21वें दिन नियत समय पर साधना शुरू कर दी, पर अभी साधना करते हुए उनको 10 मिनट ही हुए होंगे कि उनके सामने खुले लंबे बालों में मोगरे के फूलों की वेनी लगाए काली साड़ी पहने बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी दिखी, जो उन तीनों की तरफ मंत्रमुग्ध भाव से देखकर मुस्कुरा रहे थे। आधी रात का समय अचानक सामने एक सुंदर लड़की को पाकर डर कर वो तीनों के हाथ पैर ठंडे हो गए। घबराहट और डर से उन्होंने माला फेंकी और साधना अधूरी छोड़कर वहां से भागने लगे। आज 21वें दिन यक्षिणी देवी ने खुश होकर उनको अपने दर्शन दिए, पर वो मूर्ख डर गए और साधना आधी छोड़कर ही भागने लगे। साधना के अधूरी रह जाने पर यक्षिणी क्रोधित हो उठी, भागकर घर आकर तीनों ने कमरे का दरवाजा बंद किया और चादर ओढ़कर लेट गए। राधे राधे उठो, सोते हुए में राधे को लगा जैसे कोई उसे जगा रहा है। घबराकर उसने आंख खोली तो सामने वही यक्षिणी खड़ी थी। राधे तुम तीनों ने मेरे सुंदर रूप की साधना की और मुझे अपने पास बुलाया, जो भी मेरे सुंदर रूप की कामना करता है मैं उसकी सेवा करती हूँ, मगर पत्नी के रूप में तुम तीनों में से किसी एक को मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, अन्यथा तुम तीनों में से कभी भी कोई भी शादी नहीं कर पाएगा, मैं हमेशा तुम लोगों के साथ रहूँगी, वो बोली। ओ देवी कल आना, डर के मारे घुटने के बल बैठकर राधे बोला तो यक्षिणी गायब हो गई। दूसरे दिन उसने ये सारा किस्सा कमल और मुकुल को सुनाया,
जिसे सुनकर वो तीनों भी डर कर कांपने लगे। अब क्या होगा, इनसे कैसे पीछा छुड़ाएं? तीनों सर पकड़कर बैठ गए। कमल कमल, रात को नींद में सो रहे कमल को लगा उसे कोई जगा रहा है। उठते ही सामने काली साड़ी पहने लंबे बालों को बिखेर कर यक्षिणी खड़ी उसे पुकार रहे थे। ओ देवी कल आना, कमल ने हाथ जोड़ते हुए कहा तो वो गायब हो गई। अब तो हर रात यही होने लगा। उन तीनों का पूरा दिन डर के साए में बीतता और रात को यक्षिणी आकर उनके पास खड़ी हो जाती। पर ना जाने क्यों ओ देवी कल आना ये सुनकर वो गायब हो जाती। घर वाले ये सब जानकर सकते में आ गए और उन तीनों को लेकर काली मंदिर के पुजारी से मिलकर सब बताया। सारी बात सुन पुजारी जी ने कहा, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई। मैंने तुम लोगों को पहले ही समझाया था कि प्रत्यक्ष दर्शन का संकल्प लेकर साधना मत करना और उनसे माता रूप में ही आशीर्वाद की आकांक्षा करना, पर तुम लोगों ने नहीं सुना, ऊपर से साधना भी अधूरी छोड़ दी। पर पुजारी जी, ओ देवी कल आना ऐसा कहने पर वो वापस क्यों चली जाती है? ऐसा इसलिए क्योंकि वो यक्षिणी देवी इन तीनों में से किसी को भी अपने पति के रूप में वरना चाहती है, तो पति की आज्ञा समझकर ऐसा बोलने पर वो चली जाती है। लेकिन वो जब तक इन तीनों में से किसी एक से विवाह नहीं कर लेती वो वापस नहीं जाएगी। और ये भी समझ लो कि उसके होते हुए अब ये तीनों लड़के कभी भी गृहस्थ जीवन का सुख नहीं उठा सकते हैं। कोई भी लड़की अगर इनसे शादी करती है तो वो यक्षिणी या तो उस लड़की को मार डालेगी या फिर उसके साथ कुछ बुरा कर देगी, क्योंकि इन तीनों ने बिना कुछ सोचे समझे उस यक्षिणी देवी के प्रेसी रूप में साधना की है और उसे खुश कर लिया है। पुजारी जी की बात सुनकर सभी बहुत घबरा गए। तब से लेकर अब तक तीनों दोस्त जिंदा रहे और हर रात यक्षिणी आती उनको जगाती और शादी करने का आग्रह करती और फिर ओ देवी कल आना ये सुनकर गायब हो जाती। ये सिलसिला उनकी मृत्यु तक चला और उनके मरने के बाद यक्षिणी उन तीनों की तलाश में हर शुक्रवार की रात 12 बजे उस गांव के हर घर के दरवाजे को खटखटाती है। मुकुल राधे कमल इन तीनों का नाम लेकर पुकारती है। तब डर कर घर के पुरुष बोलते हैं, ओ देवी कल आना। इतना सुनकर वो चली जाती है। डर कर गांव वालों ने उसी विल्प पत्र के पेड़ के नीचे यक्षिणी देवी का मंदिर बनवा दिया, जहां हर शुक्रवार को गांव के सभी पुरुष जाकर उनकी पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांग कर कहते हैं, ओ देवी कल आना। तो दोस्तों ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। रात के करीब 9:30 बज रहे थे। दादाजी उस छोटे से रेलवे स्टेशन के बाहर अपनी घोड़ा गाड़ी लिए किसी सवारी का इंतजार कर रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी, इस वजह से वहाँ के बाकी जो तांगा चलाने वाले लोग थे वो सारे अपने अपने घर जा चुके थे, मगर दादाजी बस किसी आखिरी सवारी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें इस तरह खाली तांगा लेकर घर जाना अच्छा नहीं लगता था। ऊपर से थोड़ी कमाई ज़्यादा हो जाएगी तो अच्छा ही है, यही सोचकर वो बस उस आखिरी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। और अगर उस आखिरी ट्रेन से दादाजी को कोई आखिरी सवारी मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा, यही सोचकर वो उस ठंड की रात में भी तांगा लिए स्टेशन के बाहर खड़े थे। पास ही में आग जल रही थी जो कुछ लोगों ने यानी कि तांगा चलाने वाले लोगों ने वहाँ पर जला कर गए थे। दादाजी वहीं बैठे आग का मज़ा ले रहे थे। जैसा कि रात काफ़ी हो चुकी थी
इसलिए स्टेशन के आसपास और कोई नजर नहीं आ रहा था। वहाँ सिर्फ दादाजी ही अकेले थे। दादाजी अभी आग का मजा ले ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक आवाज आई। अरे भाई साहब, चलो, चलना नहीं है क्या? दादाजी ने उस आवाज की तरफ सिर घुमाकर देखा तो वो आवाज उनके तांगे की तरफ से आ रहे थे। उनके तांगे के पास एक आदमी खड़ा था जो हाथ हिलाकर दादाजी को अपने पास बुला रहा था। दादाजी आग के पास से उठकर तेजी से चलकर उस आदमी के पास गए। देखने में वो आदमी इस गांव का नहीं लग रहा था। शायद वो शहर से आया था क्योंकि उसके कपड़ों से तो ऐसा ही मालूम पड़ता था। लगभग 6 फीट लंबा, अच्छे कपड़े पहनकर, शायद कोई बड़े घर का आदमी था। तभी उस आदमी ने दादाजी से कहा, चलो, चलना नहीं है क्या? इस पर दादाजी ने कहा, पर साहब, आपको जाना कहाँ है? तो इस पर उस आदमी ने तांगे में बैठते हुए कहा, बस मैं जहां बोलूं वहीं ले चलो। इस पर दादाजी ने अपना सिर हां में हिलाया और वो भी तांगे में बैठकर तांगे को आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। वो आदमी पीछे चुपचाप बैठा, बस सामने की ओर देखे जा रहा था और दादाजी भी तांगा लिए बस सामने की ओर रास्ते पर आगे बढ़े जा रहे थे। रास्ता सीधा था तो दादाजी को ज्यादा मुश्किल नहीं हो रहे थे। वो बस सीधे रास्ते पर तांगा चलाए जा रहे थे। रास्ते पर दूर दूर तक दादाजी के तांगे के अलावा और कोई भी नहीं था, ना कोई इंसान और ना ही कोई परिंदा। दादाजी अभी तांगा चला ही रहे थे कि तभी उस आदमी ने पीछे से आवाज लगाई, बस यहां से जो दूसरा रास्ता जाता है जंगल वाला, उधर ले चलो। दादाजी ने एक पल के लिए सोचा और फिर तांगे को उसी रास्ते पर मोड़ दिया। एक पल के लिए वो सोच में पड़ गए, इसलिए क्योंकि वो जो जंगल वाला रास्ता है उधर रात में कोई जाता नहीं है। कहते हैं कि वो रास्ता रात के लिए सही नहीं है, मगर दादाजी इन सब बातों पर विश्वास नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने तांगे को उस जंगल वाले रास्ते की ओर मोड़ लिया। वो अभी तांगा चला ही रहे थे कि तभी पीछे से उस आदमी ने टोकते हुए कहा, बस यहां से बाएं ले लो। इस बार दादाजी कुछ ज्यादा देर के लिए सोच में पड़ गए क्योंकि वहां से बाएं सिर्फ एक ही चीज थी और वो थी शमशान। खैर, दादाजी ने बिना कुछ सोचे समझे तांगे को शमशान की ओर मोड़ लिया, मगर पता नहीं क्यों तांगा मोड़ने के बाद सामने लगे जो दो घोड़े थे वो आपस में ही जैसे कुछ मिमियाने से लगे थे और आगे बढ़ने से जैसे रोकना चाहते हों ऐसा लग रहा था। वो एक ही जगह पर रुककर बार बार मिमियाने से लग जाते हैं। दादाजी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। दादाजी ने पीछे पलटकर उस आदमी को देखते हुए कहा, साहब ये घोड़े पता नहीं, रुके मैं देखता हूँ। मगर दादाजी ने जैसे ही उस आदमी की तरफ देखा तो उसका चेहरा देखकर दादाजी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। उस आदमी का चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसकी दोनों आंखें लाल चमक रही थी, पूरा चेहरा जैसे झुलसा हुआ था। दादाजी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या बला है। वो तुरंत ही तांगे से नीचे उतरकर घोड़ों के सामने जाकर खड़े हो गए। दादाजी बहुत ही ज्यादा डर रहे थे क्योंकि वो आदमी बहुत ही डरावना दिख रहा था। तभी वो आदमी भी तांगे से नीचे उतरा और दादाजी के करीब पड़ने लगा, मगर तभी दादाजी ने जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। उनके ऐसा करते ही वो आदमी पता नहीं हवा में जैसे धुआं सा हो गया, जिसके बाद दादाजी ने अपना तांगा मोड़ा और सीधे घर पहुंच गए। घर पहुंचकर
उस रात उन्होंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अगली सुबह उन्होंने इस बात का जिक्र गांव के एक पुजारी जी से किया तो उन्होंने बताया कि दरअसल वो जंगल वाला रास्ता, कहते हैं कि उस रास्ते पर आत्माओं का वास है, उस रास्ते पर अकेले नहीं जाना चाहिए और इतनी रात गए ठंड के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा सुनसान रहता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानियाँ। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।